ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात के कारण कोल डैम का वाटर लेवल लगभग 3 से 4 मीटर तक बढ़ चुका है, जिसके तहत गेट खोलकर गोविंद सागर झील में पानी छोड़ा जाता है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को भी बताया गया कि पानी छोड़ने के चलते नदी नालों के नजदीक न जाएं ताकि कोई घटना न हो सके। यहां का नजारा देखने के लिए आए लोगों ने कहा कि ये जगह काफी खूबसूरत है और कोल डैम का पानी जब छोड़ा गया तो यहां का नजारा और खूबसूरत लगा। पर्यटकों ने भी जनता से अपील की है कि इस समय में पानी के नजदीक न जाएं और प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करें। और मैं बिलासपुर से हूँ, बिहार सेक्टर से। हम यहाँ हमारे रिलेटिव आए हैं ना, तो हम उनके साथ आए थे। तो आगे जा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो यहाँ का व्यू भी देख लें, तो इसलिए हमें अच्छा लगा इधर। और ऐसा कि जब ये गेट खोले जाएँ तो मेरी जो है वो लोगों से यही अपील है कि लोग जो है इससे थोड़ा बचाव रखें अपना और सुरक्षित रहें। से आए हैं अपने रिलेटिव से हैं ना, तो हम जाने ही लगे थे अभी यहाँ से, लेकिन जो हमने पानी देखा तो बहुत ही अच्छा सीन है, लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया है यहाँ पे माहौल बना हुआ है, पानी की बौछार है फुल। बाकी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आए अपना ख्याल रखे और कोई भी ऐसा डेंजरस काम ना करे जिससे किसी की जान को खतरा हो।